ये कोई विशेष भगवान का रूप नहीं है, अगर भगवान तो हम मानते हैं, सभी मानते हैं और हमारे आस्था भी है, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत, हर आदमी जात है, लेकिन ये जो हो रहा है अधूरा, घर बने उद्घाटन करा प्रवेश करी हो, पिताजी को मिला, पिताजी भी हुआ हूँ बीजेपी पार्टी से, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कि कोई था नहीं, मैं भुक्तभोगी इसका हूँ। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है, मेरा नाम रेहान मुस्तफा है। बाराबंकी में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे, उसके बाद हम यहाँ बदोसराय चौराहे पे मौजूद हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या माहौल है समाजवादी या बीजेपी के पक्ष में। हम यादव समाज ओबीसी से यादव बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कहना है उन लोगों का। ये चाहे होटल है और यहीं पे हम लोग अभी जा रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब आपका? बढ़िया है। कैसे चल रहा है? ठंडक हो रही है? ठंडक बहुत हो रही है इसमें। आज अखिलेश यादव आए थे, कुछ गर्मी दे, राजनीतिक गर्मी दे? अब राजनीतिक गर्मी तो वो तो है, यहाँ पे वैसे समाजवादी आए हैं, जिले में समाजवादी के अलावा कोई नहीं है। क्यों, बीजेपी का संसद है, बीजेपी के विधायक है, सब संसद है, लेकिन अब किस हिसाब से भी तो ऊपर वाले जानता है। संसद कभी मिले आ गया? कभी नहीं मिले, आज तक सकल इंतजाम ने कहा है। कानून कौन है संसद? नाम उपेंद्र रावत। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव आज आए थे यहाँ पे और वो 22 तारीख को जो 5 बजे प्रोग्राम हो रहा है अयोध्या में, उन्होंने जाने से मना कर दिया, इसके आप क्या कहेंगे? उनकी राजनीति वो बड़े नेता है, अब जाने जाए उनकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ये राजनीतिक रूप है, ये कोई विशेष भगवान का रूप नहीं है, अगर भगवान तो हम मानते हैं, सभी मानते हैं और हमारे आस्था भी है, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। राम तो भगवान राम है, राम भगवान तो सब जगह है, कणकण में बसे हैं, जो राम तो वह जुनून तो नहीं हो सकते हैं, राम तो हर जगह हर एक दिल में आपके हमारे भी है, लेकिन जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं ये गलत है। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? राम है वर्मा। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ का चुनाव? माहौल सब वही में यहाँ। अच्छा, अखिलेश यादव 22 तारीख को 5 बजे प्रोग्राम हो रहा है अयोध्या में, वहाँ नहीं जा रहे, आपको क्या लगता है जाना सही है नहीं सही? नहीं, हर आदमी जात है, लेकिन ये जो हो रहा है अधूरा, घर बने उद्घाटन करा प्रवेश करी हो, कोई गलत है, अब भगवान की के घर मनाए, कोई नए मुहूर्त है तो कैलेंडर लगाए, अगरबत्ती करे, भगवान सबके उमा है, जो कोई मानस जो आस्तिक है जो नास्तिक है नहीं मानस। तो आप पीएम मोदी क्या कहेंगे? पीएम मोदी क्या कहेंगे? पीएम मोदी प्रधानमंत्री का होगा, प्रोग्राम हो रहा सही हो रहा है अयोध्या में, जो 5 बजे प्रोग्राम हो रहा सही हो रहा है? अरे इका को हिंदू कहीं भी गलत हो रहा भाई, लेकिन जो अधूरा हो रहा है ये गलत है हमारी समझ से। अखिलेश यादव नहीं जा रहे वहां पे, इस पे आप क्या कहें? अखिलेश यादव का जितने जन्म कार्ड आवा सब कोई गई या सब कोई तो दिया मैं गई। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है, क्या नाम भैया आप? कौन सी बिरादरी? यादव। यादव है। अखिलेश यादव अयोध्या नहीं जा रहे हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? एक बार खड़े हो जाइए। आप ये कहेंगे वो नहीं जाते हम नहीं जा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? भगवान राम तो दिल में समा तो आई, हम उनको पूजा कर लेंगे, अयोध्या नहीं जाए तो जाएंगे जब समय मिलेगा, जाएंगे यहाँ उसको पूजा कर लेंगे। अच्छा, मायावती ने भी कल अपना जन्मदिन का बयान दिया है, उन्होंने अखिलेश यादव क्रिकेट बता दिया, कहा क्रिकेट किसान उसकी जो मर्जी है उनके खिलाफ बोली, उनके खिलाफ है तो बोली। आपको अच्छा लगा खराब लगा? अच्छा कहाँ लगे, वो खराब लगेगा? अच्छा भाई, हमारे आदमियों को कोई उल्टा देता है खराब नहीं लगेगा, खराब तो लगेगा। चलिए, ये थे बदोसराय चौराहे पे मौजूद लोग, कुछ लोग और चाय के होटल में बैठे हुए हैं, क्या नाम सर आपका? विजय कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल समाजवादी का बनेगा आपकी? अच्छा, थोड़ा सा एक मिनट लाइट में आ जाइए। आज अखिलेश यादव आए थे यहाँ जी, जी इधर कैमरे के जी, तो उसमें कल मायावती ने बयान दिया था, उनका गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं, आपको क्या आना है? किसको बता दी किस तरह रंग बदलते हैं? अखिलेश यादव किसने कहा? मायावती ने कहा था गिरगिट का रंग बदलते हैं, आपको क्या क्या है? इसलिए इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता, गिरगिट का रंग बदलते हैं कि असलियत क्या है।
तो आप तो समाजवादी तारीफ मैं तो समाजवादी हूँ, समाजवादी का तारीफ कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का बहुत कट्टर विरोधी हूँ और इससे मैं मुझे बहुत मतलब प्रताड़ित मिला, मतलब प्रताड़ित भी हुआ हूँ बीजेपी पार्टी से। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कि कोई था नहीं, मैं भुक्तभोगी इसका हूँ। अच्छा, अयोध्या जाएंगे राम मंदिर में 22 के बाद? नाम अयोध्या क्यों नहीं जाएंगे, हमारे भगवान है, जाएंगे। अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं? अब वो नहीं जा रहे हैं, उनकी मर्जी, उसके लिए थोड़े को बता सकता हूँ। लेकिन इसी सरकार ने जो है 5,45,000 रुपया हमारे चूने लगा दिए और हमारे एप्लीकेशन देने पर एसडीएम और एडीएम तक आज कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार कभी जबानी होता था इसमें लिखित में होता है। मैं भी प्रधान रह चुका हूँ, इसकी शिकायत आपने डीएम को किया, एसडीएम साहब को किया, संसद को किया आपने, संसद को किया, मौजूदा संसद भी। हाँ, सांसद विधायक विधायक जी के पास मैं 3 बार गए, जो मंत्री सतीश शर्मा और बहलाते फुसलाते रहे। चौथी बार जब बीडीओ पास गया तो बीडीओ साहब मुस्कुराए और बोले, पारे जी तुम कहाँ डर रहे हो, तुम्हारा विधायक नहीं चाह रहा कि यहाँ तुम पसंद। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भैया आपका? अमरेश कुमार यादव। यादव जी, क्या माहौल है यादव, वो सापा आएगी? आएगी, 75 पैसा सापा चल रही है यहाँ। अच्छा जी, तो राम मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए अखिलेश जी को, भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, राम तो मैं है, सबको अखिलेश जी को जाना चाहिए, हर पार्टी को वहाँ राम मंदिर में जाना चाहिए, ये हिंदू धर्म का सिद्धांत है। अखिलेश यादव ने तो मना कर दिया, अब आप क्या कहेंगे? अब मना कर दिया तो उनकी इच्छा की बात है, लेकिन हम कहते हैं कि अखिलेश यादव को वहाँ जाना चाहिए। राम तो संसार का मालिक है, राम मैं है, राम के शरणागत में तो जाना चाहिए, राम के शरणागत में जाएंगे तो विजय अवश्य पाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे तो विजय पाएंगे? बिल्कुल पाएंगे, वो तो कह रहे हैं बीजेपी प्रोग्राम है। अरे बीजेपी प्रोग्राम उनका एक सांसद है, बीजेपी का एक प्रोग्राम जो है बीजेपी कर रही है, ये उसका एक राजनीति एक धारा और राजनीति का जो उन्होंने बनाया है तो राजनीति की धारा कर रहे हैं, लेकिन ठीक कर रहे हैं। जब ये राम को जन्म तो दे रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिटना रंग बदलने वाला नेता कहा, इसे आप क्या कहेंगे? मायावती ने जो कहा है वो अपने हिसाब से कहा है, रंग तो सभी नेता बदलते हैं, समय आने पर कौन नेता ऐसा जो रंग नहीं बदलता है, हर पार्टी रंग बदलती है, तो एक दूसरे की तो बुराई, एक दूसरे की बुराई लोग करते ही हैं। अगर एक दूसरे को, जैसे हर पार्टी है, एक दूसरे को अगर काट नहीं करेंगे तो राजनीति कैसी? अच्छा ये बताइए, ये तो यादव जी कह रहे हैं कि राम मंदिर जाना चाहिए अखिलेश यादव को, और नहीं गए तो ये तो गलत है वहाँ पे? नहीं नहीं, अखिलेश को हम लोग, अखिलेश हैं, कभी भी जा सकते हैं। और 22 तारीख को जाना चाहिए? 22 तारीख को जरूर, जो 22 तारीख बीजेपी कार्यक्रम है, बीजेपी कार्यक्रम है, भगवान राम तो है। नहीं, राम तो है, लेकिन ये बीजेपी के कार्यक्रम है। 22 के बाद चले जाएंगे या 22 के पहले चले जाएंगे कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये कार्यक्रम बीजेपी का है, इसलिए जो है हम लोगों को कोई काम नहीं वहाँ पे, बीजेपी वाले जा सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि राम कण कण बसी है और राम का प्रतिष्ठा ये जानने जाने का मतलब राम की ज्यादा भागशाली है, राम के प्राण प्रतिष्ठा ही डालने जा रहे हैं, इसका मतलब ये राम नहीं है, ये राम से बढ़कर है। भाई राम तो सबको नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, ये राम के डालने जा रहे हैं, इसका मतलब राम को राम से बढ़कर है, विष्णु भगवान है भाई, प्राण प्रतिष्ठा उन राम के डालने जा रहे हैं भाई, कोई इंसान की ताकत नहीं है। जन्म नहीं दे सकता? जी 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 जी। क्या नाम है आप? पारुल, हमारा अली नाम है। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पे समाजवादी पार्टी का? ठीक ठाक है, ठीक ठाक चल रहा है। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अभी बदोसराय चौराहे पे ही है, पूछते हैं क्या क्या नाम। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र नाम है। अच्छा, कौन सी बिरादरी? बिरादरी क्या कर जाने के? नहीं, एक पूछे यादव है। हाँ, यादव है। अच्छा ये बताइए, आज 28 यादव जी आए थे और वो 22 को अयोध्या में जो राम पार प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा है उसमें नहीं जा रहे, उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया, इस पे आप क्या? उनका निजी मामला है, क्या कह सकते हैं, वो निजी मामला है, किसी वो भी राजनीतिक आदमी है, वो अपने हिसाब से जाएंगे। अच्छा, आपको आपको मौका मिलेगा तो आप जाएंगे? अब जाएंगे जरूर, आस्था का प्रतीक है हमारा, अयोध्या जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही, आने तो कल। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ बाराबंकी का? बारंगी का माहौल इस समय सभा का चल रहा है, जो मौजूदा संसद जो है वो कौन है जानते हैं क्या? हाँ, उपेंद्र राव जी हैं। मिले कभी आप उनसे? नहीं मिले हैं, हम तो पर्सनल नहीं मिले हैं,
सामूहिक जाकर के। कभी मिले आप लोग से आगे? नहीं, यहाँ पर नहीं मिले हम लोग जाकर के, कभी नहीं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? सुभाष श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या माहौल है? आज अखिलेश यादव जी यहाँ आए थे बेगूसराय में, अब क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ सपा का ही है। अच्छा, बीजेपी का नहीं? बीजेपी का नहीं, बीजेपी तो यहाँ दो बार से लगातार जीत रही है, अच्छे वोटों जीत रही है। जीत रही है, लेकिन अब जनता परेशान है थोड़ा, कुछ जब परेशानी होती है तभी लोग रुख मोड़ते। परिवर्तन तब भी हुआ था, परिवर्तन अब भी होने की संभावना है। भाई हर तरह से परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो परेशान है तो फिर जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होना। अच्छा, अखिलेश यादव तो अयोध्या में नहीं आ रहे प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में, बीजेपी जबकि पूरा प्रोग्राम कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, अयोध्या को इंटरनेशनल धाम बना दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? वो उनका अपना राजनीतिक मामला है, उससे हमको नहीं, लेकिन ये है कि अब जैसे उसको अगर राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है तो वो गलत है। इसके हम उसमें हैं, राम सबके हैं, सब पहले भी पूजा करते थे, आज भी पूजा करते हैं, आगे भी पूजा करते रहेंगे। लेकिन अगर उसको कोई राजनीतिक मोड़ देकर के कि नहीं इसको मतलब दिया जा रहा है तो उसमें उसके समर्थन में नहीं है। ये थे हमारे साथ बेगूसराय की जनता, जिसमें ओबीसी यादव और कई धर्म के लोग शामिल थे, और इन्होंने सभी का ज्यादा कहना है कि अयोध्या में भगवान राम है और जो सबके दिलों में समाये हुए हैं, सबको जाना चाहिए, सबको उनके दर्शन करना चाहिए। अब देखना यह है कि 22 के बाद क्या सियासत होती है। कैमरामैन शालीन के साथ रेहान मुस्तफा, यूपी तक।